हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय पाकिस्तानी पीपल इन 2020। पाकिस्तानियों के कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो देखना इंटरेस्टिंग है इस वीडियो में। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। पाकिस्तानियों के बनाए हुए 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कोई ना तोड़ सका। 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय पाकिस्तानी पीपल। नंबर 1, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस। टॉक शो के मोसेस दोस्तों अब्दुल सत्तार एदी ने 1951 में महज 50,000 रुपए से एदी एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया था, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। एदी फाउंडेशन दुनिया भर में 1800 से ज्यादा एम्बुलेंसेज ऑपरेट करता है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बनाता है। पाकिस्तान के अलावा एदी की एम्बुलेंस सर्विस बांग्लादेश, जापान, बर्तानिया और कनाडा में भी इस्तेमाल होती है। 1991 की गल्फ वॉर के दौरान एदी की एम्बुलेंस ईरान और मिस्र में भी लोगों की मदद करती रही। आपको ये जानकर भी शदीद हैरानगी होगी कि अब्दुल सत्तार एदी खुद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों को जो बाप का नाम मिला है वो अब्दुल सत्तार एदी है। दुनिया भर में 50,000 से ज्यादा यतीम बच्चों को अब्दुल सत्तार एदी ने बाप का नाम दिया है और इन्हें गोद लिया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये बात सुनकर अगर आपको भी हमारी तरह दिली खुशी हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नंबर 2, मलाला यूसुफजई। दोस्तों नंबर 2 पर मलाला यूसुफजई आती हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल प्राइज की हकदार होने का अवार्ड हासिल है। दोस्तों पाकिस्तान की तारीख में मलाला यूसुफजई को हमेशा एक ड्रामेटिक करेक्टर के तौर पर याद रखा जाएगा। खबरों के मुताबिक मलाला को खवातीन की एजुकेशन के हवाले से आवाज उठाने के नतीजे में गोली मारी गई। मुंह पर गोली लगने के बावजूद भी मलाला बच गई और कनाडा चली गई। इंटरनेशनल मीडिया ने इसे इतनी कवरेज दी कि जस्टिन बीबर भी मलाला का दीवाना हो गया और इसे वीडियो कॉल करने लगा। मलाला की खिदमत के नतीजे में इन्हें नोबल अवार्ड से नवाजा गया। ये दुनिया की सबसे कम उम्र नोबल अवार्ड लेने वाली हस्ती है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मगर अब इन्होंने कनाडा की नेशनलिटी भी ले ली है और वहीं रहती हैं। सोचने वाली बात ये है कि जिन खवातीन के हवाले से बात उठाकर मलाला को अवार्ड मिला वो तो सवात की थी, तो मलाला यहाँ इन खवातीन में रहने की बजाय कनाडा में रहकर कैसे इन्हें सपोर्ट कर सकती हैं? ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। नंबर 3, जहांगीर खान। दोस्तों पाकिस्तान में जहांगीर खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं और स्क्वाइश की दुनिया में इन्हें किंग ऑफ स्क्वाइश यानी कि स्क्वाइश की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। जहांगीर खान अपने कैरियर में 6 बार स्क्वाइश के वर्ल्ड चैंपियन बने। 8 साल के दौरानिए में इन्होंने नॉन स्टॉप स्क्वाइश के 555 मैचेस जीते और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी है। इसके अलावा बहुत से लोग ये नहीं जानते कि 15 साल की उम्र में एक चैंपियनशिप जीतकर जहांगीर खान दुनिया के सबसे कम उम्र वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियन भी बन चुके हैं। इसके अलावा ये यंगेस्ट वर्ल्ड ब्रिटिश ओपन वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल भी सिर्फ 17 साल की उम्र में जीत चुके हैं। इन सबसे बढ़कर स्क्वाश की दुनिया का सबसे लंबा मैच भी इन्होंने ही खेला, जो कि 2 घंटे और 46 सेकंड तक जारी रहा। अफसोस ये कि आज स्क्वाश की दुनिया में इनकी इस लेगेसी को कोई भी पाकिस्तानी जारी ना रख सका। नंबर 4, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। दोस्तों नंबर 4 नुसरत फतेह अली खान का बनाया हुआ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आता है, और इसकी डिटेल में जाने से पहले आप वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल के आइकन को क्लिक करें। आप सब कवाली के बेताज बादशाह के तौर पर जानते होंगे, मगर आप में से बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई ना तोड़ सका। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने सन 2001 तक 125 एल्बम रिकॉर्ड करवाए, जो कि किसी भी कवाली आर्टिस्ट की जानिब से सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होने वाली एल्बम का रिकॉर्ड है। अगर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का अभी तक आपको पता नहीं था और अब जानकर आपको अपने पाकिस्तानी होने पर फखर महसूस हो तो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नंबर 5, शोएब अख्तर। दोस्तों शोएब अख्तर एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले शोएब अख्तर को क्रिकेट की दुनिया का डॉन भी कहा जाता है। जितने खिलाड़ियों को इन्होंने जख्मी किया है शायद किसी और ने ना किया हो। इनकी तेज बॉलिंग और इनके हाथों जख्मी होने का खौफ सामने वाले खिलाड़ी को वैसे ही प्रेशर में ले आता था। शोएब अख्तर ने 2003 के वर्ल्ड कप में बर्तानिया के खिलाफ बॉलिंग करते हुए एक गेंद 161.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कराई, जो एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जो आज तक कोई ना तोड़ सका। इसके अलावा शोएब अख्तर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी है कि उन्होंने इस साल यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा और इनका यूट्यूब चैनल सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा कर गया। अगर आप भी रावलपिंडी एक्सप्रेस के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नंबर 6,
दुनिया की नंबर वन इंटेलिजेंस एजेंसी टॉक शो के मोसिस दोस्तों, पाकिस्तान में 10 से ज्यादा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं। ये एजेंसीज मुल्क के मुख्तलिफ महकमों और मुख्तलिफ शोबों में ऑपरेट करती हैं और मुल्क के दुश्मन अनासर को खत्म करने का काम करती हैं। अगर आप ये पूछते हैं कि ये एजेंसीज कितनी कामयाब हैं, तो इसका जवाब हम आपको ये देंगे कि आपके साथ बैठा अफगानिस्तान तबाह हो गया, आपके दूसरी जानिब अरब दुनिया में आग लगी हुई है, ईरान पर अमरीका पाबंदियाँ लगा रहा है और आप 14 अगस्त पर बाजे लेकर पूरा दिन पी पी करते घूम रहे हैं, तो ये आपकी सिक्योरिटी एजेंसी की कामयाबी का नतीजा है। अब आपको डर नहीं कि ज्यादा रश वाली जगह नहीं जाना, कहीं कोई धमाका ना हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज में से ISI दुनिया की नंबर वन सिक्योरिटी एजेंसी है और इस बात को पाकिस्तान के दुश्मन भी मानते हैं। ISI पिछली कई दिहाइयों से इस सीट पर बैठी है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस तरह रॉ का कुलभूषण पकड़ा गया, वैसे ISI की तारीख में आज तक कोई भी ISI एजेंट दुनिया में कहीं भी पकड़ा नहीं जा सका। नंबर 7, दुनिया का सबसे कम उम्र क्रिकेटर। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको ये जानकर शदीद हैरानगी होगी कि दुनिया में सबसे कम उम्र प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक पाकिस्तानी को ही जाता है। हसन रजा ने 14 साल और 237 दिनों की उम्र में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला और इस तरह ये दुनिया के सबसे कम उम्र प्रोफेशनल क्रिकेटर बने। दोस्तों, हसन रजा ने अपने कैरियर में 60 टेस्ट मैचेस और 16 ODI खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में 235 स्कोर किया जबकि ODI में 242 स्कोर किया। हसन रजा बहुत जल्द क्रिकेट के मंजरनामे पर से गायब हो गए और दोबारा नजर भी नहीं आए। नंबर 8, 1 मिनट में 5 तिहाई गिराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों, पाक फौज के मोहम्मद महमूद आलम ने 7 सितंबर 1965 को 1 मिनट में भारत के 5 हॉक हंटर तिहाई मार गिराए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई ना तोड़ पाया और शायद कभी तोड़ भी ना पाए। MM आलम को इनकी बहादुरी और आला खिदमत के नतीजे में सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया। ये भी एक पाकिस्तानी का बनाया हुआ एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे दुश्मन भी रश की निगाह से देखता है और सारी दुनिया वाह वाह करती है। MM आलम को फ्लाइंग की दुनिया में हमेशा लिटिल ड्रैगन के नाम से याद रखा जाएगा। ये वो नाम है जो कि उनके फैंस ने उन्हें दिया। 18 मार्च 2013 को 77 साल की उम्र में MM आलम खाल के हकीकी से जा मिले। नंबर 9, स्मार्ट कार वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों, नंबर 9 पर स्मार्ट कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड आता है जो कि एक बहुत ही मजेदार वर्ल्ड रिकॉर्ड है और सारी दुनिया में लोग हर वक्त इसे तोड़ने में लगे होते हैं। 2010 में कराची से ताल्लुक रखने वाली एमन यूसुफ ने अपनी 18 ए लेवल की क्लास फेलोज के साथ मिलकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई ना तोड़ सका। सहेलियों को एक छोटी सी कार में फिक्स आना था। इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अमरीका से ताल्लुक रखने वाली 18 लड़कियों ने बनाया था। नंबर 10, महक गुल चेस बोर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली महक गुल इस वक्त 20 साल की है और एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर है। महक ने सिर्फ 12 साल की उम्र में पूरा चेस बोर्ड अरेंज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक कोई ना तोड़ सका। महक गुल ने महज 45 सेकंड में पूरा चेस बोर्ड अरेंज किया था और ये भी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जिसे ज्यादा पाकिस्तानी नहीं जानते। आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। महक गुल को हमेशा उनके वालिद ने चेस की गेम में ट्रेन किया है और वही उनके कोच है। महक गुल ने इस्तांबुल में होने वाली और उसके बाद आज़रबाईजान में होने वाली चेस चैंपियनशिप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। दोस्तों, टॉक शो की आज की काविश आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसी तरह की मजेदार वीडियोस लेकिन कुछ को जानकर मजा आया चैनल इंटरेस्टिंग थी वीडियो बहुत ही सही वाली, मतलब कुछ फैक्ट्स मुझे बता दे, जैसा कि शोएब अख्तर का पता था और वो जो पायलट वाला 1 मिनट में 5 विमानों को गिरा देने वाला, एक वो मेरा सुना हुआ था, एक शोएब अख्तर का तो मुझे पता ही था क्योंकि क्रिकेट में हमें भी इंटरेस्ट था पहले, तो उनकी नॉलेज ईदी के बारे में पता था मुझे कि बहुत बड़ी, मतलब और इंटरनेशनली नहीं पता था कि वो और भी कुछ कंट्रीज़ में थे, लेकिन इतना पता था कि बहुत बड़ी मतलब पाकिस्तान की एक एम्बुलेंस सर्विस है। तो स्क्विश का नहीं पता था इतना लंबा मैच वाला, और नुसरत फ़तेह अली खान का मुझे लग रहा था कि सबसे लंबी लंबी कव्वालियाँ उन्होंने गाई होंगी, उस टाइम में बहुत ज़्यादा होती थी, 1.5 घंटा 2 घंटे की भी पूरे पूरे शोज़ हुआ करते थे, वो मुझे लग रहा था, लेकिन उनकी एल्बम का था रिकॉर्ड बहुत सही था। एंड शोएब अख्तर का चैनल के बारे में मुझे नहीं पता था, अगर मैं सही हूँ तो वो 5 दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाना मतलब बहुत ही अमेजिंग है, वो वाकई में शॉकिंग न्यूज़ थी कि इतनी जल्दी ग्रोथ हो जाना है किसी चैनल की। लेकिन वो शोएब अख्तर है, उनकी हो भी जाती, वो यूट्यूब पर नए नए आए होंगे और
इंडिया में, पाकिस्तान में छोड़ो, पाकिस्तान से ज़्यादा मुझे लगता है इंडिया में उनके फ़ैन्स होंगे, तो उन्होंने बहुत ही सपोर्ट दिखाया होगा उन्हें, और 1 मिलियन यूं ही हो गए होंगे उनके। अमेजिंग रिकॉर्ड था जो लड़की ने जो बनाया था, एक कार के अंदर 18-19 लोगों का घुस जाना, वो भी सेट होकर बिल्कुल, मतलब छोटी सी कार में, ऐसा रिकॉर्ड किसी अंग्रेज़ का था, अंग्रेज़नों का था, लेकिन वो पाकिस्तानियों के पास से अभी वो बहुत ही, मतलब एक फ़नी सा रिकॉर्ड है लेकिन अमेजिंग है। मतलब रिकॉर्ड बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं, अजीबोगरीब होते हैं रिकॉर्ड, के नाखून बड़ा लेना, बालों को सबसे ज़्यादा लंबा कर लेना, ऐसे रिकॉर्ड भी, मतलब रिकॉर्ड होते हैं गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं, मुझे पता था लेकिन इसका नहीं पता था ये पाकिस्तान के पास है। चेस वाली लड़की का भी मुझे सुनकर अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ों का सुनकर मुझे मतलब सही लगा कि ऐसे ऐसे टैलेंट और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास हैं, तो जिनका मुझे नहीं पता था वो कुछ अमेजिंग भी थे, शॉकिंग भी थे मेरे लिए, तो जानकर मज़ा आया, अच्छा लगा। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक करके शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग आउट।